नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। स्वागत है आपका फिर से। आज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमेशा आप मुझसे पूछते रहते हैं, सर जी बुक्स बताइए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो मैं आज बुक्स से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूँ, RS एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। बाकी तो मैं पहले भी बता चुका हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन इसके बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं फाइनली डिसाइड किया था कि आज मैं बुक्स के बारे में सब कुछ बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आप खरीद सकते हैं। इस लेक्चर के बाद में आपको बुक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुश्किल ही रहेगी, शायद ही रहेगी, तो इसमें सारी बुक्स के बारे में डिटेल से बता दूंगा। और दूसरा कि आप जो RS का एग्ज़ाम करीब करीब हो सकता है 60 दिन बाद में हो, 5 अगस्त का डेट बता रहे हैं, तो 60 दिन का जो मेरा प्लान बनाने का मैंने जो बोला था वो मैं कल शाम तक अपलोड कर दूंगा आपके लिए, और परसों से हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। जैसा मैंने प्लान बनाया है उसके हिसाब से कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा। आज बुक्स इसलिए बता रहा हूं कि आज ये जो बुक्स हैं प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए ज़रूरी होती हैं, तो अगर आप बिना बुक्स के अब तक सिर्फ और सिर्फ कुछ एक वीडियोज़ के सहारे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बुक्स ज़रूर एनकोर अपने पास में रखनी चाहिए आपको। मिनिमम इतनी बुक तो आपके पास में रहनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बुक्स हैं ये सिर्फ प्री के लिए नहीं बता रहा हूँ, प्री मेंस और इंटरव्यू सब में काम आने वाली होती हैं। सिर्फ प्री के लिए नहीं, मेनली तो ये मेंस के लिए हैं जो बुक्स हैं, लेकिन ये प्री में भी काम में आती हैं, ठीक है। प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए ही हैं। शुरुआती पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, NCERT इज द मदर ऑफ ऑल बुक्स, सभी पुस्तकों की माता जी या जननी जो है वो NCERT। आपको कोई भी सब्जेक्ट समझना है, किसी अन्य बुक के पास जाने से पहले आप NCERT पढ़ लो। मैं ऐसे बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि रेफरेंस बुक कोई ऐसा नाम बता दीजिए जिसे पढ़ने से हो जाएगा, लेकिन मेरा जो बेसिक है कि NCERT सबसे पहले रहनी चाहिए। बाकी अब मैं आगे आगे एक एक टॉपिक में कौन कौन सी बुक्स है, एक एक सब्जेक्ट में कौन कौन सी बुक्स है डिटेल में बताता चलूंगा। इंडेक्स बता देता हूँ कि इस लेक्चर में आपको क्या बताने वाला हूँ। इस लेक्चर के बाद में बुक्स से रिलेटेड शायद ही आप कोई सवाल मुझसे पूछें, और पूछना भी मत मेरे हिसाब से, क्योंकि सब कुछ मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। देखो, इंडेक्स में पहला जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही विद्यार्थियों को बताने वाला हूँ, दोनों ही मीडियम के विद्यार्थी, तो इंग्लिश वाले विद्यार्थी अलग से ना पूछे सर इंग्लिश के लिए कौन सी बुक्स लेनी है, इंग्लिश वाली बुक्स भी इसमें मैं बता दूंगा। उसके अलावा ये जो बुक्स हैं प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए कंबाइंड में यूजफुल हैं, सिर्फ प्री प्री के लिए नहीं बता रहा हूँ। प्री के लिए मेरा जो कल शाम तक मैं डालने वाला हूँ 60 दिन का RS प्लान, उसे देख सकते हैं, उसमें ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। लेकिन ये प्री मेंस और इंटरव्यू, अगर आप RS बनने का सोच रहे हैं तो आप ये तीनों ही प्लान करके चलें, तब जाके आपका बेटर रहता है। तो आप ये तीनों ही प्लान के हिसाब से मैं बुक्स जो बता रहा हूँ, कुछ एक बुक्स आप इंपॉर्टेंट खरीद लें। बुक दो तरीके की बताने जा रहा हूँ मैं, एक होती है मस्ट नीडेड कि हाँ ये बुक जरूरी है, ये बुक तो आपके पास में होनी चाहिए। जैसे हिस्ट्री का नाम ले दिया तो हिस्ट्री में NCERT की ये वाली बुक तो होनी चाहिए, या स्पेक्ट्रम की ये वाली बुक होनी चाहिए। मस्ट नीडेड ये बुक तो आप RS की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास होनी ही चाहिए। और उसके बाद में होती है एक्स्ट्रा बुक्स, बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, हिस्ट्री के लिए अलग से चलती हैं विपिन चंद्र की और एक्स्ट्रा जो भी सतीश चंद्र जो भी है, लेकिन वो एक्स्ट्रा बुकें हैं। आप पहले मस्ट नीडेड बुक्स को कंप्लीट करें, उसके बाद एक्स्ट्रा बुक्स में जाएं। तो मैं दोनों तरीके की बुक बताऊंगा, उनमें से मस्ट नीडेड आधारभूत पुस्तकें जो आप खरीद सकते हैं, अतिरिक्त पुस्तकों के लिए मैं आपके लिए नहीं बोलूंगा खरीदने ना खरीदने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप खरीदना चाहें तो खरीद लो, नहीं खरीदना चाहें तो मत खरीदो। उसके अलावा कुछ टीवी सीरीज और मूवीज, मूवीज का मॉडर्न हिस्ट्री का मैं बता ही चुका हूँ, और कुछ एक 20-25 मूवी और हैं जो आप साइकोलॉजी वगैरह हिस्ट्री पॉलिटी ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। टीवी सीरीज भी बताता हूँ, उसके बाद में सिलेबस सबसे पहले आता है वैसे सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस को मैं सबसे पहले लूंगा, उसके बाद में ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, उसके बाद में मॉडल पेपर कहाँ से लें, टेस्ट सीरीज कहाँ से लें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इन बुक्स का जो आपके लिए मैं बता रहा हूँ, इन बुक्स का ये वाला जो PDF लिंक नीचे दे दूंगा वो यूज कर लेना, और बाकी जितनी भी बुक्स में लिंक चाहिए आपको उनका PDF का लिंक नीचे ही आपको एक मिल जाएगा NCERT बेस्ड और सारी बुक्स का। तो आप PDF लिंक यानी गूगल ड्राइव में जा करके वो सारी बुक जो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। खरीदना, हार्ड कॉपी लेना एक अलग बात है, वो भी लेना जरूरी होता है, लेकिन आपके लिए ऑनलाइन में यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से उपलब्ध हो जाएगी। कुछ नोट करने वाली बात ये है कि प्री एग्जाम के लिए आप सबसे पहला काम ये करें, RS के लिए सबसे पहला काम ये करें कि रेफरेंस बुक ले लें। रेफरेंस बुक का मतलब होता है कि एक ऐसी बुक जिसमें सारा का सारा सिलेबस कवर होता है, भले ही छोटे शब्दों में हो वो, लेकिन कवर पूरा का पूरा होता है। बहुत सारे पब्लिकेशन निकालते हैं, दच पब्लिकेशन निकालता है, लक्ष्य पब्लिकेशन निकालता है, अरियंत का निकालता है, उसके अलावा पेनोरमा का आता है और दिशा का आता है।
आप इनमें से किसी एक का रेफरेंस बुक जरूर ले लें। पहली बात, रेफरेंस बुक जरूर ले लें। रेफरेंस बुक जरूर इसलिए ले लें कि अगर कोई भी टॉपिक छूट रहा होगा अगर किसी अन्य सब्जेक्ट में, तो वो रेफरेंस बुक में बाकायदा आपको मिल जाएगा। तो पहला काम ये करना, आप रेफरेंस बुक जरूर ले लो। दक्ष की ले लो, या लच्चे की ले लो, या दिशा की ले लो, कोई किसी का भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किस अब सर जी किसकी लें, आप जो बोल देंगे वही ले लें। किसी की भी ले लो, लच्छे ले लो, दिशा ले लो, सब कॉपी पेस्ट करते हैं। इधर से उठा के उधर डाल दिया, इधर से उठा के उधर डाल दिया, उनमें कोई स्पेशल तो होता नहीं है, सब कॉपी पेस्ट कर करके ये प्रकाशन चलाते हैं। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें सारा सिलेबस कवर हो जाता है, सबका एक जैसा ही होता है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता। राजस्थान जी के सबकी एक जैसी मिलेगी आपको। तो दच्चे का ले सकते हो, लच्छे का ले सकते हो। पहला काम आप ये करना, एक रेफरेंस बुक जरूर ले लेना, एक रेफरेंस बुक जरूर ले लेना। उसके साथ में दूसरा, लूसेंट जीके वाली बुक जरूर ले लेना। दोनों ही आपके पास में होनी चाहिए, एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए, दूसरा लूसेंट जीके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। मैं बहुत सारी जगह रेफरेंस जीके वाले, रेफरेंस जीके की बुक बताऊंगा। रेफरेंस बुक बोला जाता है जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो और बहुत कम पन्नों के अंदर कवर हो, उसे बोला जाता है रेफरेंस बुक, ठीक है। और लूसेंट जीके, इसमें तो पूरा सिलेबस आता ही है और बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम कम पन्नों के अंदर आता है। उसके अलावा दूसरा नोट यह है कि पढ़ते समय शॉर्ट नोट जरूर बनाने चाहिए। मेरे लेक्चर्स में आप देखते ही होंगे, मैं नोट्स कभी कभी पीडीएफ में नीचे लिंक दे के आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो आपको पता चलता होगा कि मेरा नोट्स बनाने का तरीका कैसे है। बाकी मैं आपको कल शाम को 60 डेज का प्लान वाला जो वीडियो है वो डालने वाला हूँ, उसमें मेरा प्लान बताने वाला हूँ और आपको कैसे हार्डवर्क करने वाला है, हार्डवर्क करना चाहिए ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके अलावा पढ़ाई कैसे करें, याद कैसे रखें चीज़ों को, और नोट्स कैसे बनाएं, इससे रिलेटेड मैं दो वीडियो अलग अलग डालूंगा। यानी पढ़ाई कैसे करें और याद कैसे रखें, साइंटिफिक वे में किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। सर मेरा मन नहीं लगता, ये इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सर पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं ध्यान भटकता है इधर उधर की चीज़ों में, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो डालूंगा, वो देख लेना। और नोट्स कैसे बनाएं, इससे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, 10-15 मिनट का वीडियो बना दूंगा। मेरा नोट्स बनाने का जो तरीका होता है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स यूज करने का तरीका होता है, तो नोट्स जरूर बनाएं। लेक्चर देख रहे हो या उस समय भी नोट्स बनाएं, या आप किसी भी बुक पुस्तक को पढ़ रहे हो तो उस समय भी नोट्स बनाएं। तो पढ़ते समय शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। टेस्ट सीरीज जरूरी है क्या? टेस्ट सीरीज जरूरी होती है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे कि टेस्ट सीरीज कौन से कोचिंग की लेनी चाहिए, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज का ये सब डिस्कशन कर लेंगे। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल, सर ये मटेरियल वगैरह हमें कहाँ से मिलते रहेंगे? तो देखो, होने को तो व्हाट्सएप भी होता है, व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप भी बने हुए हैं, दो ग्रुप बनाए हुए हैं मैंने, एक ओनली आरएस एजुकेशन नाम से और एक आरएस 2018 डिस्कशन ग्रुप नाम से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि व्हाट्सएप की लिमिट होती है 200 सदस्यों की, तो उसमें क्या है, दोनों ही ग्रुप्स में फुल स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने यही प्लान किया कि एक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम नाम से एक एप्लीकेशन आता है, उसमें कितने भी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम का, मेरे वाले टेलीग्राम का मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उस टेलीग्राम का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उससे जुड़ सकते हैं। तो जो जो मटेरियल मुझे प्रोवाइड कराना होगा, पीडीएफ लिंक्स वगैरह, वीडियो वगैरह, वो सारा मैं टेलीग्राम के थ्रू भेज दिया करूँगा। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि मुझे करीब करीब 10 के आसपास वॉलेंटियर स्टूडेंट चाहिए, जो सपोर्ट कर सकें, मेरी हेल्प कर सकें। यानी एक वॉलेंटियर जो एक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो आरएस के लिए, मैं उनसे कभी एक, मैं उनका ग्रुप बना लूंगा व्हाट्सएप में, तो मुझे मैसेज कर देना कि सर आई वांट टू बी ए वॉलेंटियर स्टूडेंट विद यू, तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, तो मैं उनमें से कुछ एक 10-1 के आसपास सेलेक्ट करके उनका ग्रुप बना लूंगा। अब वॉलेंटियर का मतलब ये हुआ कि मैं उनसे कुछ काम के लिए बोलता हूँ कि ऐसा कीजिए कि वहाँ से एक टेस्ट सीरीज आइए, या उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छांट के मेरे लिए सेंड कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि मैं हर चीज़ में खुद से माइनिंग करता रहूँ, खुद से कोचता रहूँ। तो टेस्ट सीरीज जैसे कि आप कोचिंग्स में तो 4-5 हज़ार रुपये दे के खर्च करना करके तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, बट बेटर यही रहेगा ना कि मैं अगर चाहूँ, अगर वो 10 स्टूडेंट मेरी हेल्प करें, 10 स्टूडेंट हेल्प करें और वो टेस्ट बनाते जाएं मेरे लिए, तो मैं उसे ऑनलाइन ही सॉल्व करा दिया जाए ताकि फ्री में ही आपका हो जाए। तो मैं, बेटर ये रहेगा, टेलीग्राम चैनल तो आप जुड़ जाइए, और 10 वॉलंटियर स्टूडेंट्स को जो मैंने बोला है, जो बिल्कुल इच्छुक हो, उन्हें नॉलेज अच्छी हो आरएस के बारे में, हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो, तो मैं उनसे कनेक्ट हो सकता हूँ और उनका ग्रुप बना के उनसे हेल्प ले सकता हूँ, ताकि आपको और परेशानी ना होगी। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी ले लो, अगर फ्री में मिल रहा है आपको तो वो यूज कर लो टेस्ट सीरीज, उसमें तो बस फाइनल एबीसीडी चेक करना होता है, उसमें रिटर्न तो होता नहीं है। तो प्रीलिम्स के लिए आप रुपए देने की बजाय ये है कि कहीं से भी ऑनलाइन जहाँ पे भी मिल जाए आपको फ्री में, वो यूज कर लो। बाकी अगर मेरे पास में वॉलंटियर स्टूडेंट आ जाते हैं, तो मैं ऑल राजस्थान में जितनी भी टेस्ट सीरीज चलती हैं, पुराने ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, उनमें से छांट छांट के एक एक पेपर बना दूंगा 10-15 के आसपास, तो वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना, तो उस पर डिस्कशन कर लेंगे। पर वॉलंटियर स्टूडेंट वाली बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस का। तो
तो मैं सबसे पहला काम यही करता हूँ कि आपके लिए सिलेबस बता देता हूँ कि क्या क्या सिलेबस होता है। देखो कुल मिला के मैंने जब टॉपिक्स निकाले प्री मेंस दोनों को मिला के, तो 18 के आसपास टॉपिक्स बैठ रहे हैं। सिलेबस को देख के घबरा मत जाना, इतना बड़ा आपको सिलेबस लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ खास है नहीं। बस वो उन्होंने लिखा है, देख लीजिए एक एक करके। पहले से 9 तक का जो टॉपिक आपके यहाँ लिखे हुए हैं, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भारत इतिहास, विश्व भारत, भूगोल, राजस्थान भूगोल, राजनीति, संविधान, अर्थशास्त्र, विज्ञान प्रौद्योगिकी, मैथ्रीनिंग और करंट अफेयर, ये जो है अपने प्रिलिम्स के हैं। उसके बाद में समाजशास्त्र, नीति शास्त्र, विश्व इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासन, विधि व्यवहार, खेल, योग, हिंदी और इंग्लिश, ये मेंस में एक्स्ट्रा है। यानी पहले 9 तो है ही मेंस में और बाकी के 9 और जोड़ दिए गए हैं, ये एक्स्ट्रा है। तो फाइनली एक सीधा सीधा एक सिलेबस निकल के आता है कि सर पहले सिलेबस रटा होना चाहिए, आपने बोला है, तो सिलेबस के सब्जेक्ट तो रट लो कम से कम। राजस्थान जी के पहला, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा पॉलिटी, चौथा ज्योग्राफी, पांचवा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, छठवा इकोनॉमी, सातवा करंट, आठवां मैथ्रीनिंग, और हम इनकी ही बुक देखने वाले। तो ठीक है, बेफालतू की सारी इतनी सारी बातें करने के बाद में हम शुरू कर देते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स को रेफरेंस लेना चाहिए। ठीक है, दो तरीके की बुक्स का मैंने बताया था आपको, एक तो मस्ट नीडेड बुक्स और एक होती है अदर एक्स्ट्रा सोर्स है। ठीक है, राजस्थान जीके से शुरुआत करते हैं। राजस्थान जीके को 3 पार्ट में बांटा हुआ है मैंने, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान की ज्योग्राफी में पहला काम तो आप ये करना कि मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने भी वीडियो हैं वो देख लेना, और 3-4 जो उसकी वीडियोज बची हुई हैं वो वीडियोज भी आरएस पीरियड से पहले कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये राजस्थान ज्योग्राफी उसमें से ही कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट ऑफ दी सवाल आएंगे उनमें से ही आ जाएंगे। उसके अलावा आपको ये करना है, रेफरेंस बुक यूज करनी है। मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है, जैसे राजस्थान की नदियां जो पढ़ाया है, पहले मेरे लेक्चर्स में से देख लिया, उसके बाद में आपने जो भी रेफरेंस बुक ली है लच्छे की, दिशा की, या जिसकी भी आपने ली है दक्ष वगैरह की, उसमें जाकर के आप वो अपना देख लेंगे। हेलो, हाँ यार थोड़ा सा बाद में बात करता हूँ, मैं बिजी हूँ ना थोड़ा सा, करीब 1 घंटे बाद में वीडियो बना। उसके बाद में आपको रेफरेंस बुक यूज करनी है और ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। देखो इसके लिए मेरे पास में एक बुक है मूमल पब्लिकेशन की आती है, जो टॉपिक वाइज ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कराए हुए हैं। तो एक राजस्थान जीके के लिए अलग आती है, राजस्थान के जितने भी टॉपिक्स वाइज जो से दिए हुए हैं क्वेश्चन पुरानी ईयर्स में वो उसमें दिए हुए हैं, और इंडिया लेवल के लिए यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सारी सब्जेक्ट वगैरह एक अलग आती है। तो मूमल पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक आती है, जरूरी नहीं मूमल पब्लिकेशन की, आपके पास में जो भी बेटर हो टॉपिक वाइज जिसमें दिया हो कि टॉपिक वाइज पुरानी ईयर्स में पूछे गए सवाल, तो वो आपको सॉल्व करना है। यानी जैसे नदियों वाला टॉपिक पढ़ना है, तो नदियों के मेरे 3 पार्ट हैं, वो तीनों पार्ट देखे, उसके बाद में रेफरेंस बुक यूज की, और उसके बाद में पुराने ईयर्स के जो सवाल आए हुए हैं वो सॉल्व कर लिए। तो उसके उससे आपका पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया कि इतना तो आपको मस्ट करना ही है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए साहित्य ग्रंथ अकादमी की हरिमोहन सक्सेना नाम से एक पुस्तक आती है, हरिमोहन सक्सेना लेखक के नाम से पुस्तक आती है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एलआर बल्ला की राजस्थान ज्योग्राफी नाम से एक बुक आती है। तो मेन बात यह है कि आपको रेफरेंस बुक यूज करनी है, ओल्ड ईयर क्वेश्चन बुक यूज करनी है, और अपना टेक्निकल आवर चैनल पे राजस्थान ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट यूज करनी है। अब बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री की। राजस्थान का इतिहास जो है उसके लिए आपको गोपीनाथ शर्मा की एक पुस्तक ले लेनी है, गोपीनाथ शर्मा की बहुत अच्छी पुस्तक है, वो आपको ले लेनी है, ले ही लेनी है। ठीक है, उसके बाद में कोई भी टॉपिक वहां से पढ़ना है, उसके बाद में आपको रेफरेंस बुक पे जाना है, रेफरेंस बुक जो बताई है मैंने वो यूज करनी है। उसके बाद में टेक्निकल आवर चैनल पे मैं धीरे धीरे राजस्थान हिस्ट्री भी अपडेट करता कर दूंगा, तो उसमें आप यूज कर सकते हो। और पुराने ईयर्स के क्वेश्चन जो मैं आपको बता चुका हूँ, मूमल पब्लिकेशन की बुक ले लेना या किसी और पब्लिकेशन की बुक ले लेना। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। उसके अलावा अगर आपको बुक लेनी है, देखो इसमें आपको जो रेड रेड में दिख रहा हुआ वो आपकी एक तरीके से आवश्यक पुस्तकें हैं, रेड ब्लैंक रेड ब्रैकेट में जो भी दिख रही हैं, और बाकी जितनी भी आपको ब्लैक में दिख रही हैं वो एक्स्ट्रा बुक्स हैं। आपके पास में अगर टाइम है, आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, तो इन बुक्स को ले सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के लिए अन्य जो लेखकों के नाम हैं, डॉक्टर हुकुम चंद्र जैन, राजस्थान इतिहास और कला इनकी आती है। उसके अलावा बीएल पनगड़िया की स्वतंत्रता संग्राम नाम से एक पुस्तक आती है, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर के लिए डॉक्टर हुकुम चंद्र जैन की हिस्ट्री एंड कल्चर वाली बुक जो है वो आपको ले लेनी है, वो यूज करनी है, रेफरेंस बुक यूज करनी है, और अपना चैनल यूज करना है। धीरे धीरे कला कला और संस्कृति के वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे। ओके,
तो अब मेन चीज भी यह बात आ गई कि सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके में आपके पास में क्या होना चाहिए। एक होना चाहिए आपके पास में रेफरेंस बुक, किसी भी जो मैंने बताया किसी भी पब्लिकेशन की हो सकती है, लच्छे की, दच की, पैनोरमा की। उसके अलावा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए LR वाला होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान बोर्ड की 9 से लेके 12th तक की राजस्थान अध्ययन नाम से पुस्तक आती है, 9th, 10th, 11th, 12th वाली जो भी है, उनका डिस्क्रिप्शन नीचे वाली PDF लिंक जो होगी उसमें आपको मिल भी जाएगा, और आप हार्ड कॉपी ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इनमें कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बहुत सारी मैंने बुक्स इसमें बताई हुई हैं, लेकिन आपको इतने ज़्यादा नहीं उलझना है। जहाँ पे भी मैंने रेड वालों पे आपका ग्रीन इंक से टिक किया हुआ है, वही बुक आपके लिए बेटर रहेंगी। जैसे कि टेक्निकल आवारा की प्ले लिस्ट यूज करनी है, राजस्थान का इतिहास की गोपीनाथ शर्मा लेनी है, डॉक्टर हुकुमचंद जैन की आपको हिस्ट्री एंड कल्चर वाली, तीन मतलब दो तो बुक ले लेनी है, तीसरा रेफरेंस बुक है और चौथा अपना टेक्निकल आवारा है। इससे आपका राजस्थान जी के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी रेफरेंस बुक के अलावा ये बता ही चुका हूँ, राजस्थान इकोनॉमी के लिए रेफरेंस बुक यूज करनी है आपको। वैसे तो इकोनॉमी के सवाल प्रीलिम्स लेवल में कम आते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए तो मेरे लेक्चर से ही आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। 4-5 लेक्चर कराएं और 2-4-5 लेक्चर एग्जाम के हिसाब से मैं करा दूंगा, क्रैश कोर्स वाइज में। पूरा तो मेरा 20-25 लेक्चर का प्लान था इकोनॉमी का, लेकिन अभी क्रैश कोर्स प्री के हिसाब में करा दूंगा, जिसमें कि वो इकोनॉमी के मेन मेन टॉपिक कवर हो जाए, बैंक कवर हो जाए, शेयर मार्केट कवर हो जाए, उसके अलावा अपना ये जो सिस्टम चलता है इकोनॉमी में, GDP, GNP वगैरह ये कवर हो जाए। तो राजस्थान इकोनॉमी के लिए आप चाहें तो एक्स्ट्रा बुक है, ये एक्स्ट्रा है, मस्ट नीडेड नहीं है, नाथूराम जी की बुक ले सकते हैं, ओके। उसके अलावा राजस्थान पॉलिटी की रेफरेंस बुक यूज करनी है, तो इसमें मैंने राजस्थान जीके में टोटली लास्ट में तो आपको बताने वाला ही हूँ कितनी बुक यूज करनी है। राजस्थान जीके में आपको राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा लेनी है, डॉक्टर हुकुमचंद्र जैन लेनी है, उसके अलावा रेफरेंस बुक यूज करनी है और अपना टेक्निकल आवारा ये यूज करना है, और पांचवा जो मूमन पब्लिकेशन की ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन आते हैं वो आपको यूज करने हैं। राजस्थान जीके कंप्लीट हुआ, अब इंडिया हिस्ट्री पे चलते हैं। देखो इंडिया हिस्ट्री जो है नॉर्मली तीन प्रकार की होती है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल और आधुनिक। तो इंडिया हिस्ट्री का कहीं भी कुछ भी जाने से पहले मेरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडिया हिस्ट्री की, उसके शुरुआती 5-6 लेक्चर तो आप देख लें, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने दो दो लेक्चर क्रैश कोर्स के करा दिए हैं वो देख लेना, और दो और तीन बचे हुए हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ। अभी मैं 60 डेज प्लान बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि मैं कैसे कैसे कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए बुक्स वगैरह बता देता हूँ, बाकी सबसे बेटर यही रहेगा कि मेरे जो लेक्चर्स हैं वो देख लेना और रेफरेंस बुक यूज कर लेना। फिर भी मैं जो मस्ट नीडेड बेसिक बुक जो होती हैं वो आपके लिए बता देता हूँ। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको NCERT की क्लास 6 की हमारे अतीत Part 1 नाम से एक पुस्तक आती है, वो आप ले लेना है। क्लास 11th की बुक ले लेनी है हिस्ट्री वाली, ठीक है, ये एंशियंट के लिए हो गया। मेडाइवल के लिए ये मस्ट नीडेड बता रहा हूँ मैं आपको, कि इतना पढ़ लोगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना पढ़ना तो जरूरी ही है और बेटर रहेगा, इतना ही काफ़ी। उसके अलावा मध्यकालीन के लिए NCERT क्लास 7th का हमारे अतीत भाग 2 वो आप ले लेना, और आधुनिक भारत के लिए क्लास 8th की हमारे अतीत भाग 3 और क्लास 12th की हिस्ट्री वाली बुक ले लेनी है, और उसके अलावा स्पेक्ट्रम की बुक ले लेनी है मॉडर्न हिस्ट्री वाली, ठीक है। तो इसमें आपको NCERT बुक यूज करनी है हिस्ट्री के लिए, और स्पेक्ट्रम यूज करना है, NCERT, स्पेक्ट्रम और अपना चैनल टेक्निकल आवारा, तो ये मस्ट नीडेड है। और वो अपना रेफरेंस बुक तो है ही आपके पास में, इनमें से अगर कहीं भी कोई टॉपिक RAS के सिलेबस के हिसाब से नहीं मिल रहा है तो वो रेफरेंस बुक में आपको मिल जाएगा। दक्ष पब्लिकेशन का रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हो, IBS जो भी आपको बेटर लगे वो आप यूज करें। उसके अलावा एक्स्ट्रा बुक जो है वो आपको मैं बता देता हूँ, एक्स्ट्रा अन्य पुस्तकें आपको ब्लैंक में दिख रही होंगी। एंशियंट के लिए रोमिला थापर की आती है, मेडाइवल के लिए सतीश चंद्र की आती है, मॉडर्न की विपिन चंद्र वाली आती है। उसके अलावा NCERT की ओल्ड 6, 7, 8 वाली बुक आप ले सकते हो, और बुक्स के नाम बता देता हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड। प्लासी से विभाजन तक, प्लासी 2 पार्टीशन एक बुक आती है, आजादी के बाद भारत नाम से एक पुस्तक आती है, गांधी के बाद भारत, ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है ये भी आती है, और नॉर्मन लोई की एक वर्ल्ड हिस्ट्री की पुस्तक आती है वो आप ले लेना, और तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक्स आती हैं एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड के लिए। ये अन्य पुस्तकें मैंने नाम बताए हैं, इनमें से आप चाहो तो ले सकते हो, जरूरी नहीं है इन बुक्स को लेना, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिए हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में आज़ादी के बाद भारत, यानी 1947 से लेके और आज तक 2014, 15, 16 तक का जो भारत में घटनाएं घटित हुई हैं उनके लिए भी, उनमें से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो उनके लिए कौन सी बुक लें। उनके लिए आप बुक लेने के बजाय ABP न्यूज़ पे प्रधानमंत्री नाम से एक एपिसोड आता है, उसके एपिसोड पता नहीं कितने हैं, 18-19 एपिसोड हैं, बहुत ही ज़्यादा बेटर है, कोई भी बुक से 100 गुना बेटर रहेगा। प्रधानमंत्री नाम से एक एपिसोड था एपिसोड है वो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। तो आज़ादी के बाद भारत के लिए ABP न्यूज़ में प्रधानमंत्री एपिसोड आप देख सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगर आपको पढ़ना है तो क्लास 9th और क्लास 10th की समकालीन भारत, फर्स्ट समकालीन भारत, सेकेंड नाम से बुक्स आती हैं,
और उसके अलावा प्री के एग्जाम के बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री में भी करूँगा, ठीक है। तो अपने टेक्निकल आवर आप जाके आप यूज कर सकते हो। ये हिस्ट्री की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी की। इसमें आपको जहाँ पे भी जो रेड पेन पे, रेड इंक पे और आपको ग्रीन इंक का टिक का निशान लग रहा है वो नेसेसरी है। उसके अलावा जो बुक आप बाकी एक्स्ट्रा बुक लेना चाहो तो ले सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के तीन पार्ट हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके अलावा इंडिया ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। तो फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले अपना टेक्निकल वाला चैनल यूज करना। उस पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें बेटर वे में आपको समझाया हुआ है टॉपिक्स को, जितना हो गया वो देख लेना और आगे धीरे धीरे करा दिया जाएगा, उसके बाद में देख लेना। उसके बाद में फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ही क्लास 6 में पृथ्वी हमारा आवास नाम से एक बुक आती है एनसीईआरटी की, वो आप ले लेना। ये मस्ट नीडेड में है अगर आप पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं आरएएस की, ठीक है। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी आएगी पृथ्वी आवास नाम से, क्लास 7 में हमारा पर्यावरण नाम से ज्योग्राफी की पुस्तक आती है, क्लास 8 में संसाधन एवं विकास ये भी ज्योग्राफी की पुस्तक आती है, आप तीनों ले सकते हैं। उसके अलावा 9th और 10th में कंटेम्प्ररी इंडिया नाम से पुस्तक आती है, वो आप ब्लैंक मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एटलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैप भरने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपके लिए, अभी प्री से पहले ही 60 डेज प्लान में मैंने उसे डाला है, लेकिन आपके पास में राजस्थान का जो मैप आता है ब्लैंक मैप, उसके एक पूरा पूरा का चिट्ठा सा आता है, 50 के आसपास एक साथ में आते हैं, ऐसे इंडिया का आता है ऐसे ही अपने वर्ल्ड का आ जाए, वो आप ले लेना है और आपको एटलस ले लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल ज्योग्राफी में आपको अपना चैनल यूज करना है टेक्निकल आवारा की जो प्लेलिस्ट है, उसके अलावा अपना एनसीईआरटी लेनी है, उसके अलावा आपको एटलस लेना है और मैप लेना है, ब्लैंक खाली मैप लेना है। भारत भूगोल के बारे में बात करते हैं। भारत भूगोल के लिए आपको अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में कुछ एक वीडियो धीरे धीरे मिल जाएंगी। उसके अलावा एनसीईआरटी क्लास 9th का और 10th का जो है वो यूज करना है, और महेश बर्णवाल नाम से एक पुस्तक आती है भारत का भूगोल समग्र अध्ययन, भूगोल एक समग्र अध्ययन नाम से, तो महेश बर्णवाल की आप पुस्तक ले सकते हैं। उसके अलावा और भी मैप है, और भी पुस्तक है, लेकिन महेश बर्णवाल आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी के लिए अपना चैनल तो है ही, पहले भी बता चुका हूँ, रेफरेंस बुक यूज करनी है, ब्लैंक मैप की प्रैक्टिस करनी है। तो 4 पॉइंट निकल के आते हैं इसमें, अपना चैनल टेक्निकल आवारा, उसके अलावा एनसीईआरटी की जो बुक है वो, तीसरा महेश बर्णवाल और चौथा मैप और एटलस, ये आपको क्लियर करना है। उसके अलावा अदर बुक्स फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको लेनी है, जेसी लियोन के पार्ट 1 और पार्ट 2 पुस्तक आती है ज्योग्राफी के लिए, वो आप ले सकते हो। माजिद हुसैन की भूगोल के लिए पुस्तक आती है, वो ले सकते हो। मुरनाल नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उनकी ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट है, आप वो यूज कर सकते हो। और डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना, वो राजस्थान ज्योग्राफी है ही। अब चलते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीति एवं संविधान। आपको इनमें से जो जो बेटर लग रहा हो वो आप लिख लेना, आप चाहें जो कि ये बुक मुझे लेनी है, लास्ट में मैं फाइनल समरी भी बता दूंगा कि इस बुक इतनी लिस्ट है, 15 के आसपास बुक बैठ रही है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। और इनका पीडीएफ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जितनी भी बुक्स हैं उन सबका एक जगह पे एक लिस्ट बनी हुई है, उनका पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब पॉलिटी की बात चल रही है, पॉलिटी में देखिए आपको पहला काम तो अपना चैनल पे इंट्रोडक्शन नाम से एक वीडियो बनी हुई है, उसके अलावा क्रैश कोर्स की 2 वीडियो हैं और 4-5 3 वीडियो क्रैश कोर्स की और आने वाली हैं, 3 वीडियो, ठीक है। तो वो आप यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 से लेके 12th तक की, 6th 7th 8th में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ये आरएएस प्री प्री नहीं बता रहा हूँ मैं कि सर इतनी बुक्स क्यों बता रहे हो, ये प्री प्री के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, आरएएस प्री मेंस और इंटरव्यू तक के बता रहा हूँ। इतना पढ़ोगे तभी आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो आप जैसे बोलते हो सर ऐसे नॉलेज कैसे आते आती है इतनी सारी चीज़ों के बारे में, तो ये तभी होता है जब बहुत सारी बुक्स में आप पढ़ लोगे। एनसीईआरटी सबसे बेसिक है, एनसीईआरटी बोल देना काफ़ी है, लेकिन एनसीईआरटी की बहुत सारी बुक्स हैं, 30 के आसपास बुक हैं, वो आपको पढ़नी होती हैं। देखो 6th 7th 8th की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 1 2nd और 3rd नाम से पुस्तक आती है, उसके अलावा 9th और 10th में आती है लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसके अलावा स्वतंत्र भारत में राजनीति ये क्लास 11th में आती है, भारतीय संविधान का कार्य ये 12वीं में आती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी लेनी है और एम लक्ष्मीकांत लेनी है। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो और एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपके पास में लूसेंट जीके है, लूसेंट जीके में से वो सारा का सारा रिवाइज कर लीजिए। लूसेंट जीके में बहुत कम पन्नों में वो पॉलिटी दी हुई है, आरएएस के प्री लेवल में इतना गहरा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो एम लक्ष्मीकांत आपको लेके तो रखनी है कम से कम, क्योंकि आपके मेंस में काम आने वाली है। उसके अलावा एक्स्ट्रा बुक अगर आपको पढ़नी है तो डीडी बसु, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन नाम से एक पुस्तक आती है, उसके अलावा आप भारत का संविधान, उसकी फोटोकॉपी कहीं से भी ले लो, पूरा ही संविधान ही ले लो, ठीक है। वो तो है ही पूरा का पूरा, वो आप पढ़ सको तो वो पढ़ लो, ठीक है। अब लेकिन ये एक्स्ट्रा बुकें कोई जरूरी नहीं है। आगे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स प्री लेवल में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है,
लेकिन मेंस में करंट अफेयर से रिलेटेड इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक आप क्लियर करना है, 9th, 10th और 12th की एनसीईआरटी की बुक ले लेनी है आपको। उसके अलावा रेफरेंस बुक में जो टॉपिक वाइज दिया हुआ है, प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, रेफरेंस बुक में टॉपिक वाइज मिल जाएगा आपको कि बैंकों वाला टॉपिक मिल जाएगा आपको, राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक मिल जाएगा, उसके अलावा शेयर मार्केट वाला, स्टॉक एक्सचेंज वाला, ये फिक्स टॉपिक मिल जाएंगे एक एक दो दो पंडे के, और उतने से ही फ्री में पूछा जाता है, उससे बाहर नहीं पूछा जाता है। तो रेफरेंस बुक आप यूज कर लेना, उसके अलावा करंट के साथ में उसे अपडेट रख लेना। उसके अलावा टेक्निकल आवारा अपना जो चैनल है उस पर 5-6 वीडियोज बनी हुई है। बाकी अभी मैं 60 डेज प्लान में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कल शाम तक अपलोड करने वाला हूँ, उसमें मैं आपके लिए क्रैश कोर्स के 3 या 4 वीडियो इकोनॉमिक्स की कराने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स पूरा तो होगा ही धीरे धीरे जब भी होगा, लेकिन मेन जो प्रीलिम्स एग्जाम कंप्लीट होना चाहिए उस हिसाब से मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़नी है, जरूरी नहीं है आप खरीदें या नहीं खरीदें, रमेश सिंह इकोनॉमिक्स की बुक आती है, प्रतियोगिता दर्पण का इकोनॉमी का वर्जन आता है, संजीव वर्मा की एक इकोनॉमिक्स की बुक आती है, तो ये आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। बेसिक ये है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी 9th और 10th की जो साइंस है उसमें से पूछा जाता है प्रीलिम्स लेवल में, और मेंस में भी उतना ही पूछा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th आप ले सकते हैं। आप पढ़ना चाहो तो एनसीईआरटी की क्लास 6th, 7th, 8th की साइंस भी पढ़ सकते हो, लेकिन 9th और 10th तो मस्ट नीड है आपके लिए। उसके अलावा रेफरेंस बुक यूज करनी है आपको, रेफरेंस बुक जो भी लेके आए हो, दच्चे लच्चे जिसकी भी आप लेके आए हो वो, और अपना चैनल पे मैं आपके लिए प्रौद्योगिकी के रिलेटेड कुछ एक वीडियो डालूंगा, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी का, कंप्यूटर साइंस का, आईटी वाला एक स्पेशल वीडियो, बायो जाएंगी जो मैं अपने 60 डेज प्लान में बताऊंगा। अन्य पुस्तक अगर आपको लेनी है साइंस की, तो अरिहंत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नाम से एक पुस्तक आती है, वो आप ले लेना। नोट्स आते हैं कोचिंग से, वो आप ले लेना। एनसीईआरटी क्लास 6th, 7th, 8th में बता ही चुका हूँ, वो एक्स्ट्रा में शामिल करके लिख दिया है मैंने। आगे बात करते हैं मैथ रीजनिंग के बारे में। मैथ रीजनिंग का नॉर्मली यही है कि मैथ के लिए आर एस अग्रवाल, रीजनिंग के लिए मथुरिया, इसमें टॉपिक वाइज कवर करना। बुक नहीं लेनी है आपको क्योंकि मेंस में से हटा दिया गया है मैथ को, तो प्रीलिम्स के लिए आप बुक नहीं भी लें तो चल जाएगा। रेफरेंस बुक जो आपने खरीदी है, रेफरेंस बुक जो मैंने बताया जिसमें कि पूरा सिलेबस कवर होता है, उसमें मैथ और रीजनिंग के जो पार्ट दिए हैं उन्हें कवर कर लेना, वही काफ़ी है। कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अग्रवाल वगैरह या मथुरिया वगैरह किसी भी बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रेफरेंस बुक में जो है उसे ही कंप्लीट कर लें, उसमें से ही सवाल आपको आ जाएंगे, क्योंकि आरएएस प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसमें मैथ बहुत आसान पूछी जाती है। 60 डेज प्लान में मेरा पहला जो शुरुआती काम है वो मैथ रीजनिंग और साइंस कर रहा है। ओके, उसके अलावा टेक्निकल आवारा यानी अपने चैनल का मैंने बताया कि आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th की आप मैथ का सवाल सॉल्व कर सकते हैं, उसमें एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ ले सकते हो। अब आती है करंट अफेयर्स, मोर इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आती है कि इसके लिए क्या करें। देखो इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, करंट अफेयर्स दो आती हैं, दो या तीन मान लो आप, एक तो बड़े लेवल की इंडिया और वर्ल्ड लेवल की, और दूसरा अपना राजस्थान लेवल की करंट अफेयर्स। तो इसके लिए आपको दृष्टि आईएएस की, आईएएस की एक वार्षिकांक की एक आपको अगर मिल जाती है, मैगजीन मिल जाती है दृष्टि आईएएस की, तो इंडिया और वर्ल्ड लेवल के लिए वो आपके लिए बेटर रहेगी। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के लिए आप मूमल वगैरह या किसी और का ले सकते हो, लेकिन अब बात चल रही है प्री के साथ साथ में मेंस की और इंटरव्यू तक की, तो इसमें जो जो मैंने आपको बताई है वो सब आपके पास में क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि दृष्टि आईएएस की मैगजीन आपने ले ली, न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, पत्रिका यूज कर सकते हो, जागरण यूज कर सकते हो, इंग्लिश वाले दी हिंदी यूज कर सकते हो, जागरण मिलेगा नहीं तो जागरण का ऑनलाइन ले लो, जागरण तक मत जाओ, पत्रिका ही पढ़ लो काफी है, ठीक है। उसके अलावा अगर और ज़्यादा पढ़ना है, इनसाइट्स आईएएस नाम से एक वेबसाइट है, उनकी एक मैगजीन आती है वो यूज कर सकती हो, या विजन की, इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, इनसाइट आईएएस की मैगजीन जो आएगी वो इंग्लिश वालों के लिए, विजन आईएएस की मैगजीन जो आएगी वो इंग्लिश वालों के लिए। अब मेन चीज़ आती है टीवी पर, राज्यसभा टीवी पर विशेष नाम से एक प्रोग्राम आता है, वो तो आपको देखना ही है, उनमें से बहुत सारे सवाल आएंगे। डेली एक एपिसोड आता है विशेष का, उसमें एक टॉपिक को लेकर के उसके जैसे डिटेल एनालिसिस करते हैं वो, तो राज्यसभा टीवी का विशेष देख लेना है। उसके अलावा देश देशांतर देख सकते हो, रविश कुमार का प्राइम टाइम देख सकते हो। ये प्री प्री नहीं बता रहा हूँ मैं, प्री के साथ में मेंस और इंटरव्यू बता रहा हूँ, तभी इतना। सिर्फ प्री के लिए तो थोड़ा बहुत आप यूज कर लो, मूमल वगैरह ले लो, और उसके अलावा एक कोई वार्षिकांक ले लो, उसमें से ही जो आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो फिर बड़े लेवल से बहुत गहराई से पूछा जाएगा। नॉर्मली ज्यादा कठिन जाते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है, लेकिन मैं मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। इतना जब क्लियर करोगे तभी आप, आपका जो डर है वो निकल पाएगा, मेंस में पूर्ण रूप से लिख पाओगे और इंटरव्यू में बेझिझक बोल पाओगे, क्योंकि तब आपके पास नॉलेज होती है। जब आपके पास नॉलेज नहीं होती है तब आपको, जब सामने प्रोफेसर बैठे होते हैं ना, तो आपको डर लगता है उसमें। कुरुक्षेत्र और योजना नाम से मैगजीन आती है, पत्रिका आती है, वो आप यूज कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए।
पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक वेबसाइट है अपनी गवर्नमेंट की, वो यूज कर सकते हैं। अपना आईएएस के करंट के बहुत सारे सवाल जो हैं वो पीआईबी से डायरेक्टली उठा उठा के डाले गए थे। अपना चैनल पे मैं करंट का कराने का कुछ कोशिश करूंगा, 60 डे प्लान में जो डाला है मैं उतना तो कराऊंगा ही, ठीक है। उसके अलावा अपना सोजस जो राजस्थान की आती है, मुमल और राजस्थान क्रॉनिकल, अगर प्री की अगर स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान पत्रिका वगैरह तो पढ़ना जरूरी है ही। उसके अलावा राज्यसभा टीवी विशेष देख लेना, राजस्थान क्रोनोलॉजिकल या मुमल की बुक ले लेना, वार्षिकांक लेना 1 साल का लेना, और दृष्टि का 1 साल का वार्षिकांक आप ले लेना। अब मेंस वाली एक्स्ट्रा बुक्स की बात करता हूँ। हिंदी के लिए आपको राघव प्रकाशन की बुक ले लेनी है, इंग्लिश के लिए बीकी रस्तोगी की पुस्तक ले लेनी है, विश्व इतिहास आपके लिए और तो पुस्तक बताई थी, एनसीईआरटी का 9th और 10th बताया था, और वो भी नहीं करना है तो अपने चैनल पे आ जाना। प्रिय होने के बाद में आपको विश्व इतिहास उससे बाहर नहीं मिलेगा, उतना ही कवर हो जाएगा मेरे चैनल में से ही, जितनी मैं वीडियो कराऊंगा उसमें से ही आ जाएगा। उसके अलावा सोशियोलॉजी, सामाजिक समाजशास्त्र की जो बुक है वो अगर चाहिए वो मेंस में यूज होता है, तो एनसीईआरटी क्लास 11th 12th में 4 बुक्स आती हैं, समाज को समझना, बुक्स के नाम बता रहा हूँ मैं, समाज को समझना, अंडरस्टैंडिंग दी सोसाइटी, समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, उसके अलावा भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, उसके अलावा समाज में बदलाव, चेंजेस इन दी सोसाइटी, ये 4 पुस्तक आती है। अगर आपको मेंस में सोशियोलॉजी अच्छा करना है, जितना ज़्यादा पोर्शन नहीं आता है फिर भी आपको समझना है और आगे इंटरव्यू तक जाना है, इंटरव्यू में बेझिझक बोलना है, तो आप समाज को समझने की कोशिश करना है, तो ये 4 बुक आएंगी एनसीईआरटी की। नीति शास्त्र मेंस के लिए, मेंस के लिए भी आपको रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी, अभी मैं प्रीलिम्स का बोल रहा हूँ, मेंस के लिए आपको रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से पेंडोरमा का रेफरेंस बुक अच्छी आती है मेंस के लिए, एक एक बुक निकालेगा वो पेंडोरमा का, जीएस 1 का, जीएस 2 का, जीएस 3 का और जीएस 4 का, अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग बुक निकालेगा पेंडोरमा, तो आप उनकी रेफरेंस बुक लेना उस समय, और उसमें एथिक्स का जितना पार्ट दिया होगा उतना ही कवर कर लेना, बाकी एथिक्स के लिए एक्स्ट्रा बुक लेने की कोई आपको जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए जो रेफरेंस बुक मैंने बताई है वही यूज कर लेना, और चाहो तो दृष्टि मैगजीन की अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाली बुक ले सकते हो। विधि व्यवहार के लिए रेफरेंस बुक यूज करना आप, रेफरेंस बुक मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनका जो होता है प्रॉफिट रेशियो जो होता है, जैसे आप बोल सकते हो कि मेहनत जितना कर रहे हैं और प्रॉफिट कितना निकल रहा है, वो रेशियो जो होता है वो कम होता है, तो उसके लिए उतना ही पढ़ो जितना कि आपके एग्जाम में आने के चांस हो। अगर आप मोटी बुक पढ़ लो, एग्जाम में 5 नंबर का आ रहा है, तो क्या मतलब रहा। विधि व्यवहार के लिए रेफरेंस बुक में जो दिया होगा उतना ही यूज कर लो, खेल योग के लिए रेफरेंस बुक में जो दिया होगा वो यूज कर लो। अब मैं बात करता हूँ टीवी एपिसोड और मूवीज के बारे में, कि कौन कौन सी टीवी एपिसोड जो है वो आपके लिए यूजफुल रहेंगे, और कुछ एक मूवीज, मूवीज का तो मैं इसमें ज्यादा नहीं बता रहा, मूवीज के लिए एक तो मैं वीडियो बना चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, और एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा कि RS IAS लेवल के स्टूडेंट को मस्ट नीडेड मूवीज, तो वो अलग से बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो टीवी एपिसोड जो मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नाम से एबीपी न्यूज का यूट्यूब पे आपको एपिसोड मिल जाएगा, वो आप देख लेना। भारत देख खोज श्याम बेनेगल जी का, वो आप देख लेना। उसके अलावा संविधान राज्यसभा टीवी, वो आप यूज कर सकते हो। राज्यसभा टीवी पर विशेष नाम से एक प्रोग्राम आता है, वो देख लेना। और यूट्यूब पर अगर आपको करंट अफेयर्स और एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो ओनली IAS नाम से एक चैनल है, वो हिंदी में और इंग्लिश के, ओनली IAS नाम से जो चैनल है ये डेली अपना द हिंदू का जो एनालिसिस होता है उसकी वीडियो डालता है, और बहुत अच्छी वीडियो डालता है, 25 25 30 30 मिनट की। तो ओनली IAS नाम का एक चैनल है, वो आप यूज करते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी भी ज़्यादा बोलता है, तो वो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप बात करते हैं हम टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट होती है और मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रीलिम्स में तो आपको टेस्ट सीरीज कहीं से भी मिल जाएगी। आप प्रीलिम्स की बात करूँ तो जयपुर में भी बहुत सारे कोचिंग हैं और जोधपुर में भी बहुत सारे कोचिंग हैं, वहाँ पे आप 4 4 5 5 हज़ार रुपये देके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए वो 10 12 हज़ार रुपये लेंगे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि प्रीलिम्स का मुझे टेस्ट सीरीज या आपको टेस्ट सीरीज रुपये दे करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनका कोई स्पेशल माइंड नहीं होता है उस टेस्ट सीरीज में। वो पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन उठाते हैं या कहीं इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके और उन्हें एक पेज में छाप देते हैं, और उसे टेस्ट सीरीज का नाम दे दिया जाता है, और उसके लिए आपके 4 5 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं। मेंस में तो क्या होता है, उनकी मेहनत ये होती है कि आप मेंस में लिखने के बाद में वो चेक करते हैं कहाँ कहाँ गलती है, वो आपको बताते हैं। मेंस में आप रुपए दो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्री में आप पैसे दो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उससे अच्छा तो मॉडल टेस्ट पेपर आप ले लीजिए कहीं से, वो बेटर रहेगा। और जो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे साथ में कुछ 10 5 स्टूडेंट वॉलेंटरी मेरे पास में आ जाएं, ऐच्छिक रूप से मेरे पास में कनेक्ट हो जाएं मुझसे, और वो अगर तैयार करके जाएं कि सर ये 100 क्वेश्चन जो हैं आप डिस्कस करा दीजिए, तो मैं निश्चित सी बात है कि आपको किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं वहाँ से करा सकता हूँ, तो अपने चैनल पर आपको फ्री में ही टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। बाकी और एक बात इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वैसे तो मैं अपना कोई वेबसाइट बनाने का कभी कोई प्लान भी नहीं था,
फिर भी मैंने एक दिन तो क्या, अभी 1 तारीख को मैं सुबह सुबह जल्दी जग गया था, तो मूड में पता नहीं कैसे आया, तो मैंने वेबसाइट बना दी और वेबसाइट को होस्ट भी कर दिया और डोमेन भी ले लिया technicalawar.com नाम से, और उसका होस्टिंग गोडेडी से डोमेन लिया था, और होस्टिंग भी अपनी यूएस के सर्वर्स में, यूएसए के सर्वर में करा दी गई है होस्टिंग उसकी। उसमें कुछ 1.5-2 हज़ार रुपये का खर्चा भी आया था, लेकिन वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी उसकी डिजाइनिंग नहीं कर पाया हूँ, तो अभी साइट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये सारा वॉलंटियर स्टूडेंट मिल जाते हैं, तो मैं सारा जो डाटा है, जितना भी मेरे चैनल पे जितने भी PDF लिंक हैं, जितना भी मेरे नोट्स हैं, जितनी भी वीडियो हैं, वो उस वेबसाइट पे उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो वहां से जाके आप यूज कर सकते हैं, तो टेस्ट सीरीज की PDF भी मैं वहां पे उपलब्ध करा दूंगा मैंने, कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली भेज दिया करूंगा, टेलीग्राम चैनल के नीचे आपको लिंक दे दूंगा। उसके बाद में ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन, इसके लिए मैंने आपको दो बुक बता रहा हूं मैं आपके लिए, मूमल पब्लिकेशन की एक राजस्थान जीके के ओल्ड ईयर्स क्वेश्चन आते हैं और इंडिया जीके के ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन आते हैं, ये दो बुक तो वो लेनी है। उसके अलावा यूथ कंपटीशन टाइम्स से नाम से एक, बाई सिटी नाम से एक अपना कोई पब्लिकेशन है, उनकी RAS प्री के लिए पुरानी ईयर्स के 1992 से लेके और अब तक के जो एग्जाम हुए हैं उनका टॉपिक वाइज उन्होंने दिया हुआ है, तो बाई सिटी का आप वो ले लेना। उसके अलावा अपना ओल्ड ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ सन 2012, 13 और 16 के क्वेश्चन जो है मैं अपने यूट्यूब पर मैं सॉल्व कराने की भी कोशिश करूंगा। उसके अलावा PDF लिंक ऑफ ऑल बुक्स गिवन बिलो, नीचे आपको PDF लिंक मिल जाएगी, और अपने चैनल का जो मैंने आपको पहले बोला था 60 डेज प्लान फॉर RAS प्री, वो कल शाम तक का आपको अपलोड कर दिया जाएगा, और वहाँ पे मिल जाएगा कि 60 दिन में आपको कैसे क्लियर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करनी है, और आपके साथ में मैं कौन कौन सी सब्जेक्ट में आपका सपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और उसमें बहुत सारा का सारा मैं बता दूंगा, कल शाम तक आपको अपलोड हो जाएगा। फाइनली एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूँ मैं, फाइनल बुक जो आपके पास में होनी चाहिए NCERT की क्लास 6 से लेकर 10 तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस और अर्थशास्त्र की आपके पास में बुक होनी चाहिए। उसके बाद में राजस्थान बोर्ड की राजस्थान अध्ययन से 9th, 10th, 11th, 12th वाली आपके पास में बुक होनी चाहिए। स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का इतिहास पुस्तक होनी चाहिए। लूसेंट जीके पूरी होनी चाहिए। रेफरेंस बुक आपके पास में होनी चाहिए, रेफरेंस बुक फॉर RAS प्री, अभी RAS प्री के लिए रेफरेंस बुक रख लो, फिर होने के बाद में मेंस के लिए भी आपको रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें कोई भी पब्लिकेशन यूज कर सकते हो, उसमें पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, बस एक ही बुक में, 2-3 बुक में करा रहे हैं वो मत लेना आप, एक ही बुक में जिसने भी सिलेबस पूरा पूरा कवर करा रखा है वो आप ले लेना, ठीक है। रेफरेंस बुक आपको पब्लिकेशन के नाम मैं बता चुका हूँ, दक्ष दक्ष का, दिशा का, लच्छे का, अरियंत का, इनमें से किसी का भी ले लेना, सब कॉपी पेस्ट करते हैं, इनमें से कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि आपको स्पेशल कुछ मिल जाएगा, बस मेन बात यह है कि रेफरेंस बुक में पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है, आपको कहीं भी कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो रेफरेंस बुक में जाके वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अपने चैनल पे टेक्निकल आवारा पे जितने भी प्लेलिस्ट हैं और जितने भी नोट्स हैं वो आप क्लियर कर लेना। उसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री के लिए गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक, राजस्थान कल्चर के लिए डॉक्टर हुकुमचंद शर्मा की पुस्तक, राजस्थान पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत, ये मस्ट नीडर पुस्तक है, जो सारी लास्ट में मैं कमेंट करके बता रहा हूँ आपको। महेश बर्णवाल की ज्योग्राफी की पुस्तक एटलस और ब्लैंक मैप, राजस्थान का ब्लैंक मैप, इंडिया का और वर्ल्ड का, तीनों का ही आपको लेना है, एटलस और ब्लैंक मैप। उसके अलावा ओल्ड ईयर RAS पेपर्स के लिए बाई सिटी ऑनलाइन, ये आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, RAS ओल्ड पेपर्स इस तरीके से आप सर्च करोगे, तो यूथ कंपटीशन टाइम की मुझे बुक बेटर लगी तो वो आप ले सकते हैं। मूमल की आप लोकल किसी भी स्टोर पे जाके ले सकते हैं, कि पुराने ईयर्स के क्वेश्चन जिसमें आते हो मूमल की मिल जाएगी, वो आप ले लेना। मैथ रीजनिंग के लिए मत लेना, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेंस में उतना आएगा नहीं, प्री में ही आएगा, तो रेफरेंस बुक यूज करना। दृष्टि IAS का आप वार्षिक अंक मंगा सकते हैं, हिंदी का राघव प्रकाश वाली बुक, और इंग्लिश के लिए बीके रस्तों की वाली बुक। तो इस तरीके से मैंने सारी पुस्तकें एक एक सब्जेक्ट की मैंने आपको बता दी हैं, और आज के बाद मुझसे पुस्तकों के बारे में कुछ भी मत पूछना। यहाँ पे मैंने मस्ट नीडर पुस्तक भी बता दी हैं और एक्स्ट्रा पुस्तकें भी बता दी हैं, जो आपको बेटर लगे वो आप यूज कर लेना। मैं आपके इतना सलाह दूंगा, मस्ट नीडर बुक तो आप कम से कम रख लो, एक्स्ट्रा बुक आप तब रखना जब आपके पास ज़्यादा टाइम हो। आप अभी से अगर 2019 की तैयारी कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा बुक भी ले लीजिए, आप 2018 के लिए जा रहे हो तो मस्ट नीडर बुक ही लेना अभी तो इस बार तो। उसके बाद में अगर 18 में कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो 19 के लेवल तक जाते समय आप उस समय तक आप ये ले सकते हो एक्स्ट्रा बुक। तो इस तरीके से सारी बुक्स का मैंने डिटेल एनालिसिस आपके लिए बता दिया है, और मेन इंपॉर्टेंट बात अपना RAS का 60 डेज का प्लान, RAS प्रीलिम्स का मैं कल शाम तक अपलोड कर दूंगा, और जो जो मुझे कराना है वो एक्शन में अपने 6 तारीख से एक्शन में शुरू हो जाएगा, कि मुझे कौन कौन सी सब्जेक्ट और कौन कौन से टॉपिक कराने हैं, वो उस 60 डेज प्लान में बने हुए हैं, ठीक है। तो राम राम सा, धन्यवाद।